I'm so lost in this dunya, feeling so trapped in this dunya. I just wanna run from this dunya. Yeah, 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 yeah. I'm so lost in this dunya, but I'm about to play this dunya. The deen is a key to this dunya. Two things. Firstly, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आई डिस्कस्ड सम टिप्स जिनको कुछ लोगों ने बिल्कुल भी टिप्स नहीं समझा. हाउ टू गेट मैरिड, शादी जल्दी कैसे कर सकते हैं, जिसमें कुछ लोगों को शादी के मुतालिक कुछ भी नहीं लगा. वेरी सैड. शायद कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं उनके फादर को फ़ोन करूँगा और कहूँगा अंकल प्लीज़ अपने बच्चों की शादी करा दें, या फिर सोच रहे होंगे कि किसी लड़के या लड़की का नंबर शायद, या फिर कोई वजीफ़ा बताऊँ. आजकल लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कोई वजीफ़ा बता दें. दाढ़ी लंबी करने का कोई वजीफा? सर हमारे घर में गर्मियों में पानी नहीं आता, उसका कोई वजीफा? अंकल अंकल मेरे कपड़े छोटे हो गए हैं, उसका कोई वजीफा है? द पॉइंट इज आजकल बहुत सारे वजीफों की डिमांड है. शायद कुछ लोगों ने ये सोचा हो कि मैं कोई वजीफा बताऊंगा जिसके जरिए से शादी फौरन हो जाएगी. तो वजीफा माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वो एक ही है, और वजीफा ये कि दुआ करें. एज फार एज टिप्स बताने की मैंने बाकी कोशिश की, कोई टिप्स ही बता सकता हूँ ना, अब मैं आखिर क्या कर सकता हूँ. ज़्यादा से ज़्यादा यही बताऊँगा कि इंसानों वाले काम हमें करने चाहिए, बड़ों वाले काम करें ताकि लोगों को पता चले, हमारे घर वालों को ये एहसास हो कि हम बड़े हो गए हैं, अब हमें शादी की ज़रूरत, हम किसी और का ख्याल रख सकते हैं, अब हमारी जो रूह है उसको एक और रूह की ज़रूरत है जो हम मिल के साथ रह सकें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें डिज़ाइन इस तरह से किया. तो शायद हमारे घर वालों को ये यकीन आए कि हाँ जी बच्चा बड़ा हो गया और अब बात. सो दैट वॉज द इंटेंट. How did I get married? Some long, long days back, I wasn't practicing. I didn't have this beard. I was a very regular guy, partying and doing it. Not knowing about Allah subhanahu wa ta'ala much, except that He's our Rabb. That's it. Once you're born, you have free will. Go around the world, chill, enjoy the world. Don't be a Maulvi. This is what I thought. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala gave me the understanding. Padhna shuru kiya, samajh. I came to deen. So jab main is taraf aaya aur mujhe pata chala ki, you know, I have to stay away from certain things aur kuch cheeze hain jo nahi karni chahiye, ki naraazgi ka sabab, this and that. To unme se ye bhi tha ki you have to stay away from non-madams, girls, classmates, khawateen. So, फिर मैंने ये सोचा कि शादी करनी चाहिए. अच्छा ख्याल था, अल्हम्दुलिल्लाह. So guys, on a serious note, I didn't know anything specific to do. कोई खास ऐसा वजीफा मुझे नहीं पता था, बस मुझे ये पता था कि अल्लाह ताला से दुआ करें. अल्लाह ताला हमारा हाल जानते हैं, okay? अल्लाह सुब्हान ताला knows what is in our hearts. और हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं. तो जब अल्लाह ताला ये देखते हैं कि इंसान कोशिश कर रहा है, वो हराम से दूर रहना चाहता है और हलाल तरीके से काम करना चाहता है, तो फिर अल्लाह ताला इंसान की मदद करे. ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करना चाहें और अल्लाह ताला आपकी मदद ना करें, कैसे हो सकता है? तो सिंस अल्लाह सुब्हान ताला न्यू कि आई वाज ट्राइंग टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम ब्ला ब्ला ब्ला, तो अल्लाह सुब्हान ताला वाज हेल्पिंग मी. मैं जो भी कुछ कर रहा था वो अल्लाह ताला की मदद से करता था. तो फर्स्ट स्टेप वॉज आई आस्क्ड माई पेरेंट्स, फला गर्ल सिस्टर, उनके घर चले जाएं और वैसे ही मिल आएं, देख आएं, यू नो. अगर मैं ये कहता कि जाएं क्योंकि मैं शादी करना चाहता हूँ, माय पेरेंट्स वुड नेवर हैव लिसन्ड टू मी. तो मैंने सिर्फ ये कहा कि आप ही जरा जाएं, मिल लें, अच्छे लोग होंगे. तो जब मेरे पेरेंट्स मिल आए, मेरे पेरेंट्स ने इवेंचुअली मेरी शादी तो करनी ही थी, मेरी मदर ने सीरियसली इसके बारे में सोचना शुरू किया, क्योंकि उनका बेटा भी काफी अरसे से इस बारे में सोच रहा था. कैन यू स्टॉप स्पीकिंग टू मच? यार मैं अपनी वेडिंग की स्टोरी सुना रहा हूं लोगों को ताकि उन्हें पता चले. आई नो योर स्टोरी, सो प्लीज स्टॉप. You're speaking a lot, man. You're speaking a lot. चलो ठीक है यार, मैं नहीं बता था, ठीक है? That's what I'm saying. Okay, so what's the location? Assalamualaikum. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. आ गए हैं घर में से पहले? जी जी, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ. Back to story. स्टेप नंबर टू, मैंने उन्हें ये कहा आना जाना ज़्यादा रखें. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप लोग आज मिले हैं और अब आप महीने बाद मिलेंगे, फिर उसके बाद दो महीने बाद, उसके बाद तीन महीने बाद. ज़्यादा आना जाना रखें ताकि वी डोंट लूज देम, दे आर गुड पीपल. उन्होंने कहा हाँ अच्छी बात. और फिर हमारा मिलना जुलना ज़्यादा होता गया, आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा. स्टेप नंबर थ्री, I started saying to my parents के you know नए काम में जल्दी करनी चाहिए, ताखीर जो है वो किसी मसले का सबब बन सकती है. एंड माई फादर सैड दो साल तक सोचना भी ना. सो दिस इज़ व्हाट आई सेड टू माई पेरेंट्स, निकाह कर दें इंशाल्लाह, शादी रुकती बाद में कर लेंगे जब मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँगा. अभी तो मैं क्रॉलिंग करता हूँ, छोटा हूँ ना, घसीट घसीट के ज़मीन पे, अभी निकाह कर. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला ने मेरे पेरेंट्स के दिल में ये बात डाली, एंड दे एग्रीड टू, एंड लाइकवाइज द अदर फैमिली आल्सो एग्रीड. और इस तरह दो लोगों का आपस में निकाह हो जाता है तो दे आर मियां बीवी. सो नाउ यू कैन ऑफिशियली स्टार्ट टॉकिंग टू हर एंड स्टार्ट meeting her without the guilt in your heart ki yaar main mil raha hu aur phone pe baat kar raha hu aur mujhe gunah ho raha hai, you know Allah subhanahu wa taala mujhse naraaz ho rahe hain aur main ek haram kaam kar raha hu. Your spouse becomes halal for you and this is life. I just wanna run from this dunya. Yeah, 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 yeah.
I'm so lost in this dunya, but I'm about to play this dunya. The deen is a key to this dunya. Yeah, 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 yeah. So guys, there's one problem. The problem is that I only have a few caps. This yellow cap, namaz wali brown, और एक और ये लाइट ब्राउन जो मैंने पहनी हुई है. हेल्प मी डन माय वीडियो. आप सिंपली एक वीडियो बनाएं, से दिस व्लॉग एंड्स हियर एंड क्लोज द लेंस विद योर कैप एंड सेंड इट टू माय जीमेल एड्रेस हियर एंड दैट्स इट एंड आई विल ऐड योर वीडियो इन द अपकमिंग व्लॉग.